फर्स्ट सेमीफाइनल मैच की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। एक तरफ टीम है सोनीपत की, जिसने कल हारा हुआ मैच जीत के सेमीफाइनल प्रवेश किया है। अयान और पटेलू का शानदार खेल मैच में वापस लेके आया। और दूसरी तरफ टीम है चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट की, ये टीम भी बड़ी बेहतरीन है और खेली बड़ी बेहतरीन है। टूर्नामेंट ये अच्छा सफर रहा दोनों टीमों का। इस दोनों टीमों में बड़े बेहतरीन खिलाड़ी हैं, सागर रिडाऊ जो कि बैंसवाड़ की टीम के लिए परमानेंट खेलता है, दीक्षित गांव माधमपुर, अजय गांव चरखी, ये भी बड़ा बेहतरीन खिलाड़ी है। और दूसरी तरफ देखी जाए दोस्तों, 11 नंबर की जर्सी का संदीप नाम किट में आशीष प्रो कबड्डी और इंटरनेशनल स्टार प्लेयर और यश दैया उसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी। आज अयान नहीं खेलेगा दोस्तों इस टीम में, क्योंकि अयान के हल्के से चोट लगी है एंकल पे। और मिलन दहिया, अमन इन पर दारोमदार रहेगा। खेल महाकुंभ का ये अंतिम दिन और पहला सेमीफाइनल मैच की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। फर्स्ट सेमीफाइनल मैच की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, और पहली रेड के लिए अजय गांव चरखी, जिला चरखी दादरी। अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन सामने वाली टीम का डिफेंस बड़ा बेहतरीन है। और इस समय रेड पे मिलन दहिया, बैक फॉलो बैक फिर चला रेड पे तरक्की, बड़ा बेहतरीन खिलाड़ी है। सामने वाली टीम भी बड़ी अच्छी है दोस्तों। थर्ड रेड सागर, अच्छा खेल दिखाता हुआ चरखी दादरी टीम के लिए बड़ा बेहतरीन खेल खेलता हुआ दोस्तों। अच्छा खिलाड़ी है अंकुश दूहन को टच किया। सोनीपत टीम शुरुआती लम्हों में दबाव महसूस करती हुई, मुख्य रेडर मिलन दहिया टीम के अंदर है। ड्रेस बड़ा बेहतरीन लगाया बोलू ने, बोलू काम कसो। शुरुआती लम्हों में दादरी की टीम ने बड़ा अच्छा खेल दिखाया दोस्तों, और पलंटी लगा दी है टीम सोनीपत को, लेकिन ये टीम वापसी करना भी बड़ा अच्छा जानती है। आज अयान और डिल्लू को कमी खलेगी इस टीम के अंदर। मिलन के ऊपर दारोमदार रहेगा दोस्तों, मिलन गांव के डोली जिला सोनीपत, बड़ा बेहतरीन खिलाड़ी है। लगातार बॉलू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता हुआ, एडवांस टैकल मिलन दहिया के ऊपर,
अज इस बार बड़ा बेहतरीन बैक होल्डर का है, बिल्कुल नज़र होते हुए भी लंबे हाथ हैं यश दहिया के। यश दहिया भी गांव कडौली से बिलोंग करता है और प्रो कबड्डी और इंटरनेशनल खिलाड़ी जूनियर। अटैकिंग गेम खेलती हुई टीम, यस दैया से बच के रहना होगा इस खिलाड़ी को। अमन चला रेड पे और टाइम आउट बुलाया कोच सुरेंद्र धूमन ने इस तरफ। दादरी डिस्ट्रिक्ट की टीम है, स्कोर है 11-4 और रेड पे चला अमन। वेट कैटेगरी का बड़ा बेहतरीन खिलाड़ी है दोस्तों, कवर को पट्टो बड़ी शानदार लगाता है। सागर अच्छा खेला पहली पलंटी, सागर और अजय की बदौलत। थर्ड रेडर दीक्षित के तौर पर खेलती हुई टीम दादरी की और अच्छी टीम है दोस्तों, लेकिन सामने वाली टीम भी किसी से कम नहीं है। दोनों के दोनों स्टार प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर हैं आशीष मलिक। डू एंड डाई रेड पे खेल दिए दोनों टीमें। बारह चार का स्कोर है, 8 पॉइंटों की लीड में टीम दादरी की। टच तो बड़ा बेहतरीन किया था लेकिन थोड़ा अंदर चला गया था। बारह पाँच का स्कोर है दोस्तों मैच के अंदर। मिलन लगातार इंतजार करता हुआ, कौन सा डिफेंडर कहाँ गलती करे। जबरदस्त बैक होल्ड लगाई है यश दहिया ने। स्कोर हो चुका 12-6। रेडिंग डिपार्टमेंट दोनों टीमों का कुछ हल्का दिखाई देता हुआ, डिफेंस काफी अच्छा है। दादरी की टीम का डिफेंस कुछ, रेडिंग और डिफेंडिंग कुछ ठीक है, लेकिन सोनीपत में मुख्य रेडर मिलन दहिया ही अकेला रेडर। दूसरा रेडर स्पोर्टिंग रेडर अमन है। थर्ड रेडर के लिए टीम सोनीपत को भी जूझना पड़ेगा दोस्तों। मैच बिल्कुल बराबर की स्थिति में पहुंच चुका है।
टच कर दिया बिल्कुल कवर के पोजिशन के खिलाड़ी को, बड़ा अच्छा टच किया स्ट्रेच होकर बिल्कुल अंकुश धून के ऊपर। अमन को हल्के में नहीं ले सकते, बड़ा खतरनाक खिलाड़ी है। पांच का डिफेंस, बड़ा सूझबूझ का खिलाड़ी है दोस्तों अजय चरखी। मिलन, अजय चरखी, सागर, यस, अमन, अमन बेट में हल्का होने के कारण थोड़ा सा अच्छा अंक प्राप्त किया मिलन दैया ने। सोनीपत की टीम आप हल्के में नहीं ले सकते, 6 पॉइंटों के लीड में दादरी सुराती लमों में। कवर के ऊपर लगातार अटैक करने की कोशिश की जा रही है, यस जैसा खिलाड़ी है कॉर्नर पर उससे बचकर रहना होगा, उससे ध्यान रखना होगा, बड़ा खतरनाक डिफेंडर है दोस्तों। टाइम आउट बुलाया, स्कोर है तरखी दादरी का 14 अंक और सोनीपत का स्कोर 8 अंक। रणनीति में सुना गया कि बिल्कुल अटैक के ऊपर कैच लगानी है, डाइव जो भी खेल का हिस्सा रहेगा। आमिर को साहब इस समय बिल्कुल मैच का नज़ारा लेते हुए कॉर्नर पर दूसरी बार किक लगाई है। साहिल उर्फ अमरूद गांव रिंडाणा, पूजा नरवाड़ का भाई, उस समय बिल्कुल जस दैया नाराजगी व्यक्त करता उस खिलाड़ी से। अंकुश चला रेड पे, स्कोर है 16-8, डू एंड डाई रेड का इंतजार करेंगे। अजय तरखी चला रेड पे, प्लानिंग के तहत खेलती है दोनों टीमें, बड़ी बेहतरीन है दोनों टीमें। एक नंबर की जर्सी में अजय तरखी रेड करता हुआ, अजय सांगवान है और किक लगाई है दोस्तों इस खिलाड़ी ने, बड़ी बेहतरीन है, बिल्कुल अंदर जाके किक लगाई है, 3 किक लगा चुका इससे पहले इस मैच के अंदर। कॉर्नर के ऊपर बड़ी बेहतरीन किक दिखाई है, सूझबूझ का बड़ा अच्छा खिलाड़ी है दोस्तों। अब इस तरफ डू एंड डाई रेड का इंतजार किया जाएगा। आशीष आया रेड पे, महम साहिल नरवाल और साथी खिलाड़ी की दो प्लेयर बचे हैं अंतिम खिलाड़ी। सर्कल की तरह कैच करने की कोशिश, अपर बॉडी को कैच करने की कोशिश, लेकिन नाकाम कोशिश। अंतिम खिलाड़ी बचा साहिल,
तला रेड में दोस्तों 19-8 का स्कोर हो चुका है, 19 तरक्की दादरी और 8 सोनीपत। फर्स्ट हाफ का ये खेल चलता हुआ, बोनस की अटैम्प्ट ली है साहिल ने। बोलू और सन्नी की जोड़ी बड़ी शानदार खेल दिखाती हुई स्कोर बड़े को रोका दोस्तों 9-22, मतलब 13 पॉइंटों की लीड में चली गई है दादरी की टीम, चरखी दादरी जिले की ये टीम। शानदार कैच लगाई बिल्कुल मिड लाइन के पास आके, स्कोर 10-22, 12 अंकों की लीड में। हाफ टाइम के बाद मैच की शुरुआत होती, 22-10 का स्कोर, बोनस का टाइम लिया, बोनस बिल्कुल क्लियर बोनस हो चुका है। मिलन को लगातार यस समझा कर भेजता हुआ और इस बार बिल्कुल मिड लाइन से मात्र 1 इंच की दूरी पर कैच लगे, नहीं तो बड़ी रेड हो सकती थी दोस्तों मिलन की। स्कोर बढ़ता हुआ 23-11, अमन तला रेड पे, और डू एंड डाई रेड आ चुके थे उसको रेड पर है अजय चरखी। दो पॉइंट दोनों को, दोनों कॉर्नर एक ही रेड के अंदर चले गए। यस ने बिल्कुल डाई लगाने का प्रयास किया था और अजय चरखी बिल्कुल बच निकला। अंकुश दुहन एमडीयू किट में चला रेड पे और खाली रेड करके आया, 3 का डिफेंस फिर बचाया। छब्बीस 11 का स्कोर हो चुका था दोस्तों मैच के अंदर, 15 पॉइंटों की लीड में चली गई है। बोनस की ट्राई करता हुआ अंकुश, यदि यह पलंटी लगी तो टीम कम से कम 20 पॉइंटों के त्राल में चली जाएगी दोस्तों। सोनीपत की टीम इस मैच में काफ़ी पिछड़ जाएगी, लेकिन सोनीपत टीम को कम नहीं आ सकते आप, बड़ी मजबूत टीम है। कल का मैच है 9 पॉइंटों की लीड 2 ही रेडों के अंदर समाप्त कर दी थी और सागर आज अपना कार्य करता हुआ दोस्तों, बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, स्पीड के साथ रेड करता है। और अंतिम खिलाड़ी साहिल नलवाड़ रेड करता हुआ, और टाइम आउट स्कोर दोस्तों 12 के मुकाबले 31 अंक तरखी दादरी टीम के हो चुके हैं, काफ़ी लीड में चली गई हैं मिलन, अमन आज रेडिंग में उतना अच्छा कार्य नहीं कर पाए जितना अजय चरखी और सागर ने किया है।
अटैम्प्ट लेनी पड़ेगी। दो पॉइंटों की बड़ी बेहतरीन रेड लगाई मिलन दहिया ने, एडवांस एंकल होल्ड किया था। दो रेड के अंदर मिलन दहिया ने टीम को बिल्कुल पटरी पे लाके छोड़ दिया है। सागर के यदि कैच लगती यहाँ पे तो टीम मैच में वापस आ जाएगी। यहाँ अंकुश को फिर टच किए यहाँ पे। अजय चरखी ने बड़ी बेहतरीन हेल्पिंग की कैच लगाई है। फिर चला रेड पे सागर, पिछली रेड में बड़ा अच्छा अंक प्राप्त किया था। ना यार, अच्छा अच्छा गेम। फिर चला रेड पे मिलन दहिया, पिछली पलंटी लगाने में बड़ा अहम योगदान रहा अपनी टीम के लिए। इस बार दीक्षित आदमपुर ने बड़ा शानदार टैकल किया है। 23-35 का स्कोर हो चुका है दोस्तों। अभी तक भी 7 और 5 12 पॉइंटों की लीड में चल रही है टीम दादरी की। अमन चला रेड पे, आजाद फिर चला रेड पे, सूझबूझ बड़ा रेड रहा है। एक की रेड के अंदर दोनों को समेट ले गए। पंद्रह पॉइंटों की लीड में चली गई दादरी की टीम दोस्तों इस मैच के अंदर। यहाँ से आना मुश्किल ही है, एक बार जरूर मैच के अंदर आया था लेकिन उसके बाद और मैच समाप्त हो चुका है। मैच जीत लिया टीम दादरी ने और सोनीपत की टीम इस मैच को लूज कर गई है।